नमस्कार मैं प्रशांत कनौजिया आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉलिटिक्स के इस विशेष कार्यक्रम द क्लियर कट पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रोफेसर संदीप यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका चूँकि आप प्रोफेसर हैं पढ़ाई लिखाई से आपका बड़ा मसला है और इस देश के अंदर आजकल पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ा बहस होता रहता है कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन Uh, इस देश का एक बड़ा इतिहास रहा है जो न्याय अन्याय पर बड़ा आधारित है जिस पर चर्चा नहीं होती हमारे मीडिया में या फिर हमारे जो समाज में एक चर्चा होनी चाहिए uh, इस देश में इस समय कास्ट सेंसस को लेकर एक बड़ा बहस चल रहा है ओबीसी uh, पॉलिटिक्स को एक तरीके से पोस्ट मंडल जो एक बूस्ट मिला था वो कहीं ना कहीं जो ठंडा पड़ चुका था वो कास्ट सेंसस के, के बहस के बाद एक उठता नज़र आ रहा है uh, पर यह जानना भी ज़रूरी है ये शुरू कहाँ से हुआ इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर जो कि केंद्र में है जिस पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो सब ओबीसी ओबीसी पॉलिटिक्स चिल्ला रहे हैं लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई उस पर मैं ज्यादा जानना चाहूंगा क्योंकि मंडल कमीशन के बारे में बहुत लोगों को पता है लेकिन ओबीसी पॉलिटिक्स का मुझे लगता है काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट से बड़ा लेना देना है उसको आप कैसे देखते हैं कि वो उसका जन्म कहाँ से हुआ ओबीसी पॉलिटिक्स का हाँ बहुत बहुत धन्यवाद संजी एक्चुअली ओ पॉलिटिक्स से पहले मैं जाऊंगा भारत का जो इतिहास है ख़ास करके जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उन्होंने एक फॉर्मल गवर्नमेंट बना दी और जब ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया एक्चुअली uh, वो तो पहले कंपनी थी फिर उसके बाद उसने फॉर्मली टेक ओवर कर लिया तो अठारह में पहली बार अंग्रेज़ों ने अच्छा आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतने बड़े भारत जैसे देश पर अच्छा कहते थे कि अभी भी हम जो इंग्लैंड है उसकी आबादी साढ़े पाँच करोड़ के आसपास है और ब्रिटिश अंपायर में कभी सूरज डूबता नहीं था पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में उन्होंने कब्जा कर लिया था अफ्रीका इवन अमेरिका आज की जो सबसे बड़ी, बड़ी बादशाहत है वो उनकी कॉलोनी है तो वो अठारह में आ, उन्होंने पहली बार फॉर्मल जनगणना और जातिगत जनगणना कराई लेकिन वो पूरे भारत में नहीं कर पाए और आपको मैं बताऊं कि एक अंग्रेज़ एक रिसर्च पेपर है जो मैंने पढ़ा वो गुजरात के कॉलेज में पढ़ाते थे बहुत पुराना रिसर्च पेपर है उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज़ों ने बहुत कम पैसे में वो जातिगत जनगणना और जनगणना की थी अठारह वाली उतनी व्यापक नहीं रही तो अठारह में उन्होंने पूरे भारत में सक्सेसफुली करा लिया अठारह से वो उन्नीस तक कराते रहे आपको मालूम होगा कि एक सितंबर उन्नीस को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और आ, अंग्रेज फंस गए पूरी तरह से पूरी तरह से और बुरी तरह से फंस गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और आ, उन्होंने जो 1931 की जनगणना की थी उसी के आंकड़े उन्होंने जारी किए 41 के वो जारी नहीं कर पाए और यही भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट है बहुत सारे लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो अंग्रेज भारत में रूल करते थे उसमें केवल पाँच हज़ार अंग्रेज भारत में रहते थे सारे लोग जो थे यहाँ पे वो सैनिक हों चाहे उनके काम करने वाले छोटे ऑफिसर्स वो सब इंडियंस थे सिर्फ पांच सिर्फ हजार सिर्फ पांच हजार और उसमें भी ज्यादातर स्कॉटिश ऑफिसर्स थे स्कॉटलैंड के अच्छा ये इतिहास का बड़ा तथ्य है और आप ये समझिए कि भारत में कैसा प्रतिरोध हो रहा था जो भी हो रहा था एनी anyway, वे लेकिन भारत की आजादी उन्नीस में हुई बुरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार पैंतालीस तक चला आपको मालूम ही होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने बहुत मजबूती से लड़ाई तमाम तरह की चीज़ें हैं लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार का भी बहुत बड़ा योगदान है आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की ज़्यादातर जो कॉलोनी जो उपनिवेश थे वो धीरे धीरे आज़ाद हो गए भारत भी आज़ाद हुआ आज़ाद भारत में बिहार के एक नेता थे और बड़े ही मजबूत नेता थे सी चंदापुरी जी और कुर्मी जाति के थे वो जाति यहाँ जिक्र करना बड़ा जरूरी है क्योंकि लोग पता करने लगेंगे कि वो किस जाति के हैं <laughs> तो चंदापुरी जी ने उस समय पिछड़ा बेसिकली एक संघ बनाया बिहार का बिहार में बनाया उन्होंने और वो एक्टिव हो गए पिछड़े महासभा फिर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग थे और उन लोगों ने एक पिछड़ी पिछड़ों की महासभा बना ली अच्छा इसके पीछे थोड़ा सा जाना चाहूँगा मैं उन्नीस में एक्चुअली क्या था कि ये जो बैकवर्ड टर्म है ये अंग्रेजों ने गढ़ा था और ये बेसिकली ये तीनों, जो क्लास हैं, OBC, SC, ST, इन तीनों के लिए था लेकिन जब उन्होंने है, उनके जो इश्यूज थे वो कम्पलीटली डिफरेंट थे इन शूद्र जातियों इवन जो एससी और एसटी के इश्यूज हैं वो भी बहुत डिफरेंट ट्रू ट्रू लोग बहुत एससी एसटी को ट्रू करके इंटीग्रेट करके बोलते हैं पर वो भी एक तरीके से गलत है। ट्रू ट्रू। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी कहा, अच्छा। और वहाँ डिवीजन किया, 1925 में, अंग्रेजों का ये सारा काम है और उससे पहले, क्या कहा जाता था? उससे पहले ये बैकवर्ड्स के रूप में और सोचिए कि अगर अंग्रेज नहीं करते तो पता नहीं भारत की आजादी के बाद भी क्या आइडेंटिफाई होता है क्या नहीं होता ये दूसरी बात है लेकिन उन्होंने उसको डिप्रेस क्लासेस कहना शुरू किया क्योंकि उनके एक्चुअली uh, कमर में झाड़ू और गले में घंटी उनका उनके साथ स्टिग्मा कलंक मतलब जुड़ा हुआ था छुआ छूत का जो ओबीसी अभी के जो ओबीसी के जो सूद्र थे इस तरह की जो कमेरा जातियां थी बेसिकली इनके साथ उस तरह का कोई uh, कलंक नहीं जुड़ा हुआ तो उन्होंने एक्जैक्टली exactly, तो इसीलिए उन्होंने उसको समझ लिया कि इनको थोड़ा इनके चीजें इनके इशूज अलग हैं इनके इशूज अलग हैं ट्राइबल्स के इश्यूज अलग हैं तो उन्होंने अलग किया तीनों को और आ, जैसा कि आप जानते हैं बाबा साहब अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी जिसको जिम्मेदारी दी गई आजाद भारत में संविधान को बनाने की उसमें एकमात्र दलित वंचित कर लें मैं कह लूँ मैं दलित कहना ठीक नहीं होगा मतलब वंचित आ, जातियों की आ, जो नुमाइंदगी कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे बस और जितने भी सदस्य थे सब उच्च जातियों के थे नाम मुझे याद हैं कुछ के नहीं याद हैं लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि ये सारे लोग जो थे ये उच्च जातियों के थे संविधान सभा में और उसी समय मांग उठने लगी कि जो बैकवर्ड्स हैं अच्छा उससे पहले ये इस तरह के जो इशूज़ थे ऐसी अच्छा कम शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनको एक रिजर्वेशन की बाबा साहब के प्रयासों से शुरुआत हो चुकी थी लेकिन बैकवर्ड छूट गए थे तो उन्होंने अपना इशू उठाना शुरू किया अच्छा बाबा साहब की वजह से ही आर्टिकल थ्री फोर्टी संविधान सभा में जोड़ा गया उसका भी कई लोगों ने विरोध किया और उसमें बाल गंगाधर तिलक ने तो बड़ा ही डैमेजिंग कमेंट दिया है दो। मैं चाहूंगा आर्टिकल 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 340 340 को भी आप एक्सप्लेन हाँ, कर दें हम आ, आर्टिकल, के लिए बेसिकली हाँ, उसमें डेमेजिंग था कि एक कमीशन बनेगा जो आइडेंटिफाई करेगा बैकवर्ड्स को और वो उनके लिए फिर रेमेडी जो भी रेमेडी है वो ऑफर करेगा और वो एक्चुअली इन्हीं लोगों को सी एल चंदापुरी जी बहुत ही जुझारू नेता थे और उनके नेतृत्व में उनको उस बैकवर्ड जो एसोसिएशन था जो संघ था पिछड़ों का उसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी और इसी तरह के संगठनों के दबाव में उन्नीस में काका कालेलकर कमीशन बना अच्छा काका कालेलकर कमीशन काका कालेलकर एक ललित साहित्यकार भी थे वो उन्होंने कई सारे निबंध लिखे हैं गांधीयन एक्टिविस्ट थे मराठा मराठी ब्राह्मण थे लेकिन उनका लंबा समय गुजरात में बीता तो उनको मराठी गुजराती हिंदी अच्छा हिंदी के बहुत सारे निबंध व्यक्तिगत तौर पे मैंने उनके पढ़े हैं एक दो और अच्छे निबंधकार थे वो और अच्छे व्यक्ति भी थे उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई और उनके जो मेंबर्स थे उस काका कालेकर कमीशन के मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उसमें कुंजरू साहब थे डे साहब थे जयकर साहब थे पटवर्धन साहब थे और एक और नाम है जो मैं भूल रहा हूँ याद आ जाएगा मैं बता दूंगा अत्रे साहब एक्चुअली वो तो इसमें आ, एक कई लोग एम्बेसडर थे जो पहले एम्बेडर थे यूएसए में एक लोग गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में उस गोखले इंस्टीट्यूट के भी वो डायरेक्टर थे ऐसे ऐसे लोग थे बहुत ही विद्वान लोग थे और इस कमीशन ने नाइनटीन में शुरुआत की फिफ्टी में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी और रिपोर्ट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने मेजर तीन चार रिकमेंडेशन किए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं लेकिन एक बड़ी जनता जो नहीं जानती है उन्होंने कहा कि जो बैकवर्ड्स हैं और जो महिलाएं हैं चाहे वो किसी जाति की हो इनको 70 परसेंट एडुकेशन में बेसिकली uh, रिजर्वेशन देना चाहिए उन्होंने कहा कि क्लास वन की नौकरियों में बैकवर्ड्स को 25 परसेंट का रिजर्वेशन बी सी डी के लिए 40 परसेंट का रिजर्वेशन रिकमेंड किया अब असली मसला बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि नेहरू एक कांग्रेस में सोशलिस्ट धड़े का नेतृत्व करते थे उनको थोड़ा सा निराशाजनक लग सकता है लेकिन बेसिकली क्या था कि वो रिपोर्ट जमा हुई और रिपोर्ट में तर्क वही दिया गया जो तर्क था जो तर्क पिछली 2011 हजार ग्यारह की जातिगत सर्वे में दिया गया तर्क पुराने थे वही थे तर्क यही थे कि ये जो आंकड़े हैं वो साइंटिफिक ढंग से नहीं इकट्ठा किए गए इससे जातिवाद फैलेगा देश की समरसता को एकता को खतरा हो सकता है चौथा मेरिट को खतरा हो सकता है मेरिट प्रभावित होगी यही चार पांच घिसे पिटे जो तर्क थे उस समय भी दिए गए अच्छा तर्क को बहुत मजबूती से अभी जो उस समय के जो क्रिटिक थे जो देखते हैं मजबूती से वो उसको देखते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत काटजू साहब पहले भारत के गृह मंत्री थे उनके मृत्यु के बाद गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री बने और वो उस समय गृह मंत्री थे और उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया और बहुत सारे लोग उस जमाने के जो हैं क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि ये उनका जातिवादी एक मतलब एक निर्णय था जिसमें नेहरू भी पार्टी थे गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके पहले सीएम रह चुके हैं जी जी इलाहाबाद से पढ़ाई की थी उनके पूर्वज बड़ा इंटरेस्टिंग है उनके पूर्वज महाराष्ट्र से आए थे और वो लोग पहाड़ों में आके बसे और फिर वहां से उनकी रूट उनकी रूट बेसिकली महाराष्ट्र से है चित्त ब्राह्मण थे वो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे उनके मैंने तमाम आंदोलनों में भाग लिया लेकिन उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से इस रिपोर्ट को तमाम इन्होंने ये भी तर्क दिया कि भारत तो पंचवंशी योजनाएं शुरू करने जा रहा है विकास की लहर बनेगी दौड़ेगी और उससे समाज में बदलाव आ जाएगा इस तरह के मेजर्स की जरूरत ही नहीं है और इन्हीं तर्कों के साथ उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया बाद में इंदिरा गांधी आती हैं जब तक जनता पार्टी नहीं आती उस पर चर्चा ही नहीं होती अच्छा ये मतलब संक्षिप्त इतिहास है काका कालेलकर कमीशन का ये बड़ी बात है कि लगभग मुझे लगता है आजादी के पंद्रह साल तक पंद्रह साल आजादी फोर्टी सेवन में मिली और ये तक तक जब तक जनता पार्टी की इमरजेंसी छिहत्तर में लगी पच्चीस जून उन्नीस सौ पचहत्तर था क्षमा करिएगा पच्चीस जून छब्बीस पच्चीस जून उन्नीस सौ पचहत्तर को इमरजेंसी लगी जनता पार्टी की सरकार आई अठहत्तर में उसने मंडल कमीशन बनाया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके बाद की कहानी और भी इंटरेस्टिंग तो जनता पार्टी जब सत्ता में आई या फिर सत्ता में जब संघर्षरत थे तो फिर ये शुरू कैसे हुआ वापस जो एक स्टॉपर लग गया था गोविंद वल्लभ पंत के कूड़ेदान में फेंकने के बाद इतना महत्वपूर्ण मुद्दा वापस कैसे उठा और कौन लोग जिम्मेदार थे इसे वापस उठाने के लिए क्योंकि एक नई सरकार बनी थी और गैर कांग्रेसी सरकार इमेजिन करना उस समय में एक बड़ी बात हुआ करती थी बिल्कुल पर एक बड़े बहुत सारे धड़े के धरे के धड़े के साथ साथ बहुत सारे धाराओं के लोग एक साथ आए और इंदिरा की सरकार को उठा के बाहर फेंका और फिर ये कहाँ से शुरू हुआ वापस ओ की पॉलिटिक्स या काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को वापस लागू करने वाली बात हाँ ये प्रशांत जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छप्पन में गुजर गए कम उम्र में गुजर गए उसके बाद एक वैक्यूम हुआ आ, और एक्चुअली साहू जी महाराज पेरियार और मैसूर स्टेट के बाद बाबा साहब को छोड़ दिया जाए तो कोई इस तरह से बैकवर्ड और दलितों में इस तरह का एक सोशल रिफॉर्मर लीडर नहीं था जो बहुत पूरे समाज को लीड कर सके राम मनोहर लोहिया वही वही आ, मैं वही आ रहा हूँ हाँ, वही मैं आ रहा एक नारा बड़ा फेमस था उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको भरा राम मनोहर लोहिया ने जर्मनी से वो पी करके आए थे और जयप्रकाश नारायण की भी जो टोटल रिवोल्यूशन और देखिए राम लोहिया भी बड़े एक विजनरी आदमी थे उन्होंने यही नारा दिया और उन्होंने देखा कि कितनी असमानता है समाज में और उन्होंने जो लूफ होल्स थे नेहरू की पॉलिटिक्स में उनको बखूबी जो उनकी कमियां थी उनको पूरा हाईलाइट किया और जमीन तैयार किया जनता पार्टी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कम आपके दर्शकों को मालूम होगा जिनको इतिहास ये सैतालीस के बाद के इतिहास पर ज़्यादा नज़र नहीं रखते होंगे जो मुरारजी देसाई थे गुजराती ब्राह्मण थे और वो कांग्रेसी थे और आपको मैं बताऊं कि नेहरू के गुजरने के बाद वो पूरा उन्होंने जोर लगाया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और नहीं बन पाया और के कामराज उनके आड़े आ गए वो एक बेसिकली ओबीसी नेता थे के कामराज नाडर जाति के थे बहुत ही ईमानदार बहुत ही ईमानदार नाडरों की स्थिति वहां तमिलनाडु और कन्याकुमारी वाले रीजन में दलित समाज की तरह थी बहुत खराब स्थिति थी कामराज ने पूरे तमिलनाडु को बदलने का की एक रूपरेखा तय की कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट किया बने फिर दोबारा मुरारजी देसाई को मौका आया जब लाल बहादुर शास्त्री गुजरे इंदिरा गांधी को फिर कामराज ने प्रमोट किया और के कामराज को बड़ा अंत में जब उनके जीवन का लास्ट टाइम था तो बड़ा उनको बेरुखी से कांग्रेस में ट्रीट किया गया ये दूसरी बात है लेकिन मोरारजी देसाई बेसिकली कांग्रेस ही थे वो इस तरह के कोई जनता पार्टी वाली पॉलिटिक्स उनकी नहीं थी लेकिन वो जनता पार्टी में आए प्रधानमंत्री बने उनके ऊपर दबाव था पूरी भी जितने भी जनता पार्टी के चिंतक थे नेता थे उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी कि पिछड़ों के लिए आयोग बनना चाहिए और उसकी रिपोर्ट लागू होनी चाहिए लेकिन जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार थी जो लंबे समय तक नहीं चल पाई अठहत्तर में उसने अपनी मंडल कमीशन बीपी मंडल को बिहार से कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री थे लोकसभा सांसद रह चुके थे एक अच्छे परिवार से आते थे और उनको इन सब सारी चीज़ों की समझ थी उनको इसका चेयरपर्सन मैंने उसको अध्यक्ष बनाया अच्छा उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बड़ी सिंसियरली बनाई और इसी के साथ मैं एक बात भूल गया था कि ये जो आरोप लगाया जाता है काका कालेलकर कमीशन पे कि आ, उसने अपनी जो रिपोर्ट मुझे लगता है कि काका कालेलकर कमीशन ने जितनी बेहतरीन ढंग से उसने जो भी उसके पास आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके थे साइंटिफिक मैंने गरीबी का आंकड़ा एजुकेशनल बैकवर्डनेस का उस हिसाब से उसने इकट्ठा किए थे और ये जो पाँच मेम्बर थे ये भारत के सबसे अच्छे कमीशनों में से एक कमीशन था इतने विद्वान लोग थे इसके मेंबर तो ये तर्क बहुत ही गलत तर्क था अब इसकी इसकी जो भी अर्थ निकाला जाए वो दर्शकों के ऊपर है दूसरी बात मंडल किया रिपोर्ट बनाई अच्छा काका कालकर कमीशन ने तेरह सॉरी तेईस मतलब करीब करीब चौबीस सौ जातियों को आइडेंटिफाई किया था लेकिन ये बीपी मंडल कमीशन तक आते आते वो करीब करीब सैंतीस सौ कुछ तैंतालीस मतलब रफली अड़तीस सौ हो गई थी और उन्होंने आइडेंटिफाई किया आ, बीपी मंडल ने रिकमेंड भी किया समय पर रिपोर्ट जमा की लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिर गई और उसके बाद उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई राजीव गांधी की सरकार चौधरी चरण सिंह बने थे चौधरी चरण सिंह लेकिन चौधरी चरण सिंह की के चुके आपने चर्चा की मैं बता दूं कि चौधरी चरण सिंह इतने शायद पूरे भारत की पॉलिटिक्स में ब्रास उनके किताब लिखी है आ, पूरे भारत की पॉलिटिक्स में उन्होंने भी कांग्रेस से शुरुआत की थी लेकिन कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से विद्रोह करके उन्होंने बीकेडी बनाई कांग्रेस से तो हेड गवार ने भी शुरुआत की थी।, थी जी जी ये तो आपने अच्छा याद दिलाया हाँ। कांग्रेस से ही शुरुआत किए थे बिल्कुल बिल्कुल आ, 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 एओ, भी, का बिल्कुल, एओ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही उन्होंने उनको राजा जी ले आए थे 1925 में कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी बहुत अच्छी बात आपने कही एक्चुअली बीकेडी बनाई उन्होंने भारतीय क्रांति दल फिर लोक दल चौधरी चरण सिंह ने बड़ा काम किया मैं चूंकि मौका मिला तो एक लाइन जोड़ देता हूँ उन्होंने जो जो भूमि वाला जो सुधार किया वो ऐतिहासिक काम है अगर उन्होंने नहीं किया होता तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति और खराब होती खास करके पिछड़ों की दृष्टि से दलितों की तो स्थिति खराब है ही इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में कुछ लोगों के अच्छे हो जाने से पूरा तबका और समाज अच्छा नहीं होता है लेकिन पिछड़ों की और दुर्दशा होती पिछड़ों का चूंकि एक मंडल कमीशन के बाद एक बड़ा उदय नजर आया ओबीसी पॉलिटिक्स में आज हमारे देश में चाहे वो लालू जी हों चाहे वो मुलायम सिंह जी यादव जी हों चाहे वो रामविलास पासवान जी हों जी हों ये तमाम लोग जनता पार्टी के मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं और एक तरीके से समाजवादी धड़े के नेता रहे हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं अब मैं चाहता हूं ना कि एक बड़ी बहस होती है सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता इसमें अंतर क्या है मैं चाहता हूं आप ये भी बताएं हाँ बिल्कुल देखिए ये जो नेता हैं बेसिकली सामाजिक न्याय की तो बात कर रहे थे लेकिन एक्चुअली सामाजिक समरसता एक व्यापक वर्ड है और उसमें कल्चर कहीं ना कहीं इम्प्लाइड है उसमें कल्चर का रोल है और देखिए एक दर्शन में एक एक धारा है स्ट्रक्चरलिज्म जिसे कहते हैं आ, पॉलिटिक्स पूरा जो चेंज होता है ना प्रशांत जी वो पूरी तरह से परिवर्तन नहीं लाता है उसके साथ साथ ना कल्चर है सोशल चेंज है इनका बड़ा रोल है देखिए जो बीजेपी आज पावर में है उसके पीछे बहुत बड़ी खेती आर एस की है संघ की है और संघ ने बड़ी पॉलिटिक्स कल्चर की, की है तो इन लोगों के पास ये ऐसे तबके से आते थे जिन्होंने सत्ता का तो परिवर्तन किया लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन वो स्ट्रक्चरल चेंज एक्चुअली स्ट्रक्चर का जो चेंज था जो संरचनात्मक परिवर्तन था वो नहीं हो पाया वो संभव ही नहीं था क्योंकि इनके पास कल्चरल कैपिटल पियरे बोर्डू एक फ्रांस के बहुत बड़े चिंतक हैं थियोटिशियन है उन्होंने कल्चरल कैपिटल वर्ड को है सोशल कैपिटल ये सब नहीं था इनके पास लालू जी को आप उठाइए अगर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के एकमात्र सिपाही थे अब उनसे अब ओवरनाइट मैं कई बार कई टी के प्रोग्राम्स में गया तो कई एंकर्स ने मुझे ये सवाल किया कि भाई इतने दिन से सत्ता में क्या हमने कहा कि भाई सैंतालीस से देश आजाद हुआ और 90 तक तो जिसकी भी सरकार थी लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं किया लैंड रिफॉर्म किया तो नॉर्थ में जो वाइट रेवोल्यूशन हुई जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई पंजाब में और कई इलाकों में वो उत्तर में क्यों नहीं इधर यूपी और बिहार में क्यों नहीं हुई और नब्बे तक कौन था तो ये बेसिकली समरसता जब प्रशांत जी ना एक्चुअली क्या है कि राजनीतिक परिवर्तन से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आपके जो फॉलोअर्स हैं आप जो पूरा तबका है वंचित तबका वो पूरी तरह से प्रिवलेज हो जाए इम्पावर्ड हो जाए इम्पावर्ड नहीं हुआ है यही एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम है जैसे आंकड़ों से मैं अपनी बात कहता हूँ आंकड़ों से मैं आपको बताऊं मंडल के लागू होने से पहले नौकरियों में बैकवर्ड्स का जो रिप्रेजेंटेशन था पांच परसेंट था पांच परसेंट था मैं दोबारा कहता हूँ पांच परसेंट था और मंडल जनसंख्या क्या थी जनसंख्या अब आप देख लीजिए उन्नीस का आंकड़ा है इकतीस का आंकड़ा बिहार ने अभी किया है और अभी सिक्सटी है आप पांच थी अभी भी अभी भी जो ये कहते हैं कि इन जातियों ने उन जातियों ने खा लिया मैं आपको बताऊं कि अभी वो जो काका कालेलकर ने चौबीस जातियों को आइडेंटिफाई किया था बीपी मंडल ने अड़तीस अभी वो पचास 50, पाँच से ऊपर जा चुके हैं और उनमें ये कहते हैं कि पच्चीस परसेंट जातियों ने इनका रिजर्वेशन खा लिया उनका रिजर्वेशन खा लिया ये कर लिया एक्चुअली अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो ट्वेंटी सेवन परसेंट इनका रिजर्वेशन है इनमें क्लास वन में इनका फिफ्टीन परसेंट भरा है क्लास टू में सिक्सटीन कुछ है क्लास सी में एटीन है और क्लास डी में ट्वेंटी है कारण ये है कि जो पढ़ सकते हैं वो क्रिमिलयर में आते हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं वो दिल्ली जा नहीं सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कुल मिला के एक्चुअली वो समरसता तब आएगी जब आप सोशली कल्चरली और फिनेंशली स्ट्रक्चर में आपका से होगा आपका हिस्सा होगा वो नहीं है तो वो समरसता देखिए प्रशांत जी बुरा मत मानिएगा हम मुझे अगर कोई इज्जत देता है तो मेरी पहचान की वजह से ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है मुझसे ज्यादा होगा जो मुझे सुन रहे होंगे आपके प्रोग्राम में अब मुझसे ज्यादा लोग हैं बहुत केयरफुली बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते लिखते हैं लेकिन मेरी मुझसे जे की और डी की पहचान जुड़ी हो तो बहुत आसान हो जाता है कि भाई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट भारत का तो कम से कम प्रीमियर बहुत बड़ा कैपिटल है एक्चुअली एक कैपिटल है जिसको जिसको मैं बुना रहा हूँ और जो दूसरा नहीं बुना पा रहा तो ये इस तरह से आप कहिए कि कोई आ, धनी है तो वो भाई तमाम कारणों से धनी है ऐसा नहीं है कि वो उसके आ, बहुत सारी चीजें उसने इनहेरिट की है ट्रांसमिट हुई है उसको ऐसा नहीं कि उसने अर्न किया है तो ये इनिक्वालिटी जो है बेसिकली ना ये कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए और वो अगर ठीक से काम होता तो होती तो आ, ये एक तो हम जो मंडल कमीशन की बात करते हैं बहुत ही नॉर्थ सेंट्रिक नजर आता है हो रही है जहाँ ओबीसी की बात हो रही है जिस समय इस देश के अंदर काका का, का, का कमीशन रिपोर्ट की बात हो रही हो या जनता दल आंदोलन कर रहा है इंदिरा को उखाड़ फेंकने की या फिर प्री मंडल या पोस्ट मंडल जो पॉलिटिक्स चल रही है उस समय भारत के दक्षिण में क्या हो रहा है हाँ बिल्कुल दो तीन तथ्य हैं जिनको आपके दर्शक बड़ा अप्रिसिएट करेंगे मैं आपको बताऊं कि दक्षिण में अगर पश्चिम भारत को ले लेता हूं मैं दो मिनट के लिए साहू जी महाराज उन्नीस सौ दो में उन्होंने अपने अपने दर्शकों को भी बताता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र को पश्चिम में काउंट करते हैं जी जी पर महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा तबका जो अपने आपको दक्षिण बिल्कुल काउंट करता है वो दक्षण का एक नहीं वो दक्षिण में काउंट भी होना चाहिए होना ही चाहिए होना चाहिए पश्चिम में से ज्यादा दक्षिण का वो बनता है भी मुझे सहमतो हाँ। सा, दो 1916 में तमिलनाडु प्रशांत क्या था कि आ, अंग्रेजों ने बेसिकली राज्य नहीं थे जो अभी राज्य हम नाम ले रहे हैं महाराष्ट्र का यह तो भारत के आजाद होने के बाद तो तो बने लिंग्विस्टिक स्टेट थे वो अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी बनाई थी वो अपने रूल की सुविधा के लिए बनाई थी मद्रास प्रेसिडेंसी था बॉम्बे प्रेसिडेंसी था और बंगाल प्रेसिडेंसी था तो बॉम्बे में जो था बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी वो बेसिकली साहू महाराज ने उसमें शुरू किया और बड़ी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक डाइवर्सिटी आई और वहाँ के समाज में भी परिवर्तन आया क्योंकि डाइवर्सिटी से क्या होता है एक्चुअली uh, जो एनिलेशन ऑफ कास्ट का कंसेप्ट है वो इसी से खत्म होगा जब सब समृद्ध होंगे तो जातियाँ टूटेंगी तो बेसिकली uh, मद्रास के बाद मैं तमिलनाडु में जो क्षमा करेगा बॉम्बे के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में अच्छा मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था वो उड़ीसा का कुछ हिस्सा था तमाम इधर का आंध्रा अभी का तेलंगाना कर्नाटक और पूरा केरला और तमिलनाडु उस प्रेसिडेंसी में एक्चुअली uh, 1916 में जस्टिस पार्टी बनी okay. और uh, जस्टिस पार्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है जस्टिस पार्टी इसलिए बनी क्योंकि वहाँ तीन परसेंट ब्राह्मणों का मद्रास प्रेसिडेंसी में करीब करीब चौवालीस परसेंट रिप्रेजेंटेशन था और uh, आप जो जिन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई वो तीन लोग थे hmm. uh, वो थे पहले आदमी थे uh, सी uh, सी नटेशन uh, मुदलियार और उसके बाद दूसरे आदमी थे टीके नायर और तीसरे आदमी थे आपके त्यागराज से इन तीनों ने जस्टिस पार्टी बनाई जिसमें जो संस्थापक सदस्य थे वो सी नार थे अच्छा ये ओबीसी की जातियां थी और इन्होंने इसकी स्थापना की जस्टिस पार्टी की और इसको धीरे धीरे मजबूत किया उसी बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग है उसी बीच में 1916 और उसी के आसपास तमिलनाडु क्या एक जिला है रोड वहां पे ई वी रामास्वामी पेरियार का भी एक तरह से उद्भव हो रहा था वो सामाजिक जीवन में तो थे लेकिन राजनीतिक जीवन में नहीं थे वो एक ऐसे धनी परिवार से आते थे जिनके घर में कम से कम सालाना बीस हजार का टर्न उस समय था वो बहुत धनी परिवार से आते थे और उनकी जो जाति थी वो बलिजा नायडू जाति है एक वारियर टाइप की जाति है जो लड़ाई युद्ध करती है और ओबीसी में आते हैं तो वो बेसिकली पेरियार पेरियारी रामास्वामी पेरियार बहुत धनी परिवार से थे उनको सी राजगोपालाचारी जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर होते थे वो ले आए राजनीति में कांग्रेस में ले आए और जब पेरियार आए तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस का जो चरित्र था वो बड़ा विचित्र था वो लगातार कई उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में डाइवर्सिटी की बात उठाई लेकिन उनको बड़ा चुप करा दिया जाता था बैठा दिया जाता था एक दो जगह बैठाया गया पेरियार का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो इस तरह के आदमी नहीं थे जो किसी की बात को मान ले उसी बीच एक घटना घटी तिरनुलवेली जिले में तिरनोल अगर आप जाइए बड़ा सुंदर सा जिला है कन्याकुमारी के पास में तो तिरनवेली जिले में एक हॉस्टल था जहाँ बच्चे रह के पढ़ाई करते थे तो उसमें जो ब्राह्मण लड़के थे उनको अलग बैठा के खाना खिलाया जाता था और शूद्र बच्चों को अलग इसी सिस्टम को लेकर पेरियार ने एक तरह से वहाँ जाके कांग्रेस में रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ विरोध किया उसका और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये पाखंड है बेसिकली ये चैरिटी है कांग्रेस कर जो रही है वो कहती कुछ और है करती कुछ और उन्होंने उन्नीस सौ में कांग्रेस छोड़ दिया और किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए वो लगातार वैचारिक काम करते रहे और एक्चुअली ये एक संदेश है वो उस तरह के लोगों के लिए जो तमाम तरह के द्वैद में रहते हैं एम्बीवलेंस में रहते हैं कि भाई हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करके और राज्यसभा जाना चाहिए या लोकसभा जाना चाहिए यार ने चुना से, संघर्ष सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जैक्टली तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया उन्होंने और प्रशांत जी वो इधर बीच तब तक 20 में जस्टिस पार्टी पावर में आ गई वो एक्चुअली इतना पावरफुल नैरेटिव था उनका रिप्रेजेंटेशन का वो पावर में आ गए और उसने वहां पे रिप्रेजेंटेशन लागू कर दिया रिजर्वेशन तो दूसरा दूसरा ये प्रेसिडेंसी थी उसी के बगल में ज्यादा दूर नहीं मध्य मैंने अभी के चेन्नई से अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ढाई किलोमीटर मैसूर तीन किलोमीटर वहां मैसूर स्टेट था और मैसूर ने उन्नीस में वहां के वडियार राजाओं ने जिन्हें लोग यादव राजा भी कहते हैं कुछ आरासू राजा कहते हैं अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने तमाम तरह के उन उनपे मैंने बहुत सारे लोगों ने लिखा है पढ़ा है उन मैसूर राजाओं ने 1925 में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एक अंग्रेज जज के नेतृत्व में वहां एक कमीशन की स्थापना की सर सरलेसली मिलर अच्छा वो पहला कमीशन था वहां भी यही प्रॉब्लम थी कि उस जो मैसूर स्टेट थी वहां पे तीन चार परसेंट जो अपर कास्ट थे वो ओवर रिप्रेजेंटेड थे और वहां के उनके मातहत काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों ने विद्रोह कर दिया और दबाव में स्टेट ने वहां कमीशन बनाया मिलर ने रिपोर्ट जमा की और उसने रिकमेंडेशन दिया तो आ, एक तरह से कहा जाए तो भारत में पहला कमीशन सर सरलि मिलर का कमीशन था तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है ये तीन जगहों पे रिप्रेजेंटेशन तो ये जो काका कालेलकर का तर्क था कमेटी के खिलाफ गोविंद बल्लभ पंत का कि इससे तमाम तरह की चीजें फैलेंगी वो तर्क अपने आप खारिज हो जाते हैं क्योंकि 1925 कितने साल पहले आ, करीब करीब साल पहले हाँ अट्ठाईस साल पहले ये सब कुछ हो चुका था और कुछ नहीं हुआ था नहीं। तो ये जो तर्क थे बहुत ही खोखले और जातिवादी थे प्रोफेसर साहब पेरियार का एक बड़ा रोल है जस्टिस पार्टी जब पावर में आई पेरियार का क्या रोल रहा है जो तमिलनाडु संघ के लिए अभेद किले के रूप में स्थापित हुआ है उसमें मुझे लगता है पेरियार और जस्टिस पार्टी का बड़ा रोल रहा है उसमें अगर एक बात मैं कहूँ ऑनेस्टी वैचारिक ऑनेस्टी बहुत लोगों में कम होती है कमिटमेंट वो बहुत ही ऑनेस्ट और कमिटेड आदमी थे जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल तो बहुत भरे हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि अभी का जो केरल है जिसे लोग कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री उसे लिनेटी का साइलम कहा जाता था अच्छा का साइलम वो अरे वही तो वही की तो नांगेली थी वहीं ब्रेस्ट टैक्स ब्रेस लगा ट्रैक्स करता था नांगेली ने अपना स्तन काट दिया ऑफर कर दिया और विद्रोह हुआ सब कुछ खत्म हुआ तो सोचिए कितना जंगली समाज रहा होगा अगर ल्यूनेटी का साइलम तो थोड़ी सी सब अंग्रेजी भाषा में पागलखाना कहा जाता है लेकिन एक्चुअली जो केरल है ये राज्य उन्नीस में बना उससे पहले राज्य नहीं था ये लिंग्विस्टिक मलयाली बोली जाती थी उस रीजन में मालाबार रीजन में और जो त्रावन कोर रीजन है तो इसलिए उसको लिंग्विस्टिक आधार पे अलग किया गया अदरवाइज ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था तो अभी जो वाइकम जगह है वो आप लेपी गए होंगे कोटायम और उसी के पास में है तो जो वाइकम सत्याग्रह हुआ वो एक्चुअली क्या था बड़ा इंटरेस्टिंग था वहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर के बगल में सड़क है उससे अछूत समाज के लोगों को गुजरने की अनुमति नहीं थी मंदिर में प्रवेश को तो छोड़ दीजिए सड़क के किनारे से गुजरने की अनुमति नहीं थी गांधी भी गए उस आंदोलन में और सभी गए और नारायण गुरु भी गए नारायण गुरु केरल के एक रिफॉर्मर थे जो इरवा ओबीसी जाति के थे और ऐसा कहा जाता है कि केरल में तीन लोगों ने परिवर्तन लाया एक तो नारायण गुरु का था आ, और दूसरा था वो क्रिश्चियन मिशनरीज का और तीसरा था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ये लोग कहते हैं ऐसे मानते हैं लोग अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे आगे बढ़ता हूँ नारायण गुरु एक बहुत ही ह्यूमनिस्ट और बहुत ही सोशल जस्टिस के पैरोकार थे और उन्होंने वहाँ बहुत सारे आंदोलन शुरू किए उन्होंने अनटचेबल जातियों को एक पहचान दी और एक बार अच्छा वो उनकी जो आइडियोलॉजी थी बेसिकली जो वो स्पिरिचुअल आदमी थे और उन्होंने एक सिविलिंग की स्थापना की तो जो वहाँ के नंबूदरी ब्राह्मीण से अपने को बड़ा हायरार्की में ऊपर समझते थे उन्होंने विरोध किया उन्होंने कहा कि इरवा जाति के तुम व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकते हो तो उन्होंने कहा हाँ मैं शिवलिंग की मतलब मैं स्थापना नहीं कर रहा हूँ मैं तो इरवा शिवलिंग की स्थापना कर रहा हूँ ब्राह्मण शिवलिंग की स्थापना नहीं कर रहा हूँ तो ये नारायण गुरु का तर्क था और उन्होंने भाई स्पिरिचुअलिटी पर्सनल मैटर है रिलीजन पर्सनल मैटर है उन्होंने कहा कि मैं इरवा शिवलिंग की स्थापना कर रहा हूँ ब्राह्मण शिवलिंग की स्थापना नहीं कर रहा हूँ नारायण गुरु पे तो एक हम लोग एक पूरे एपिसोड में बात कर सकते हैं इतना बड़ा उनका बेसिकली व्यक्तित्व है लेकिन मैं वाइकम में आता हूँ वाइकम में जो आंदोलन हुआ उसको पेरियार अंत तक लड़ते रहे और उन्होंने वहाँ के राजा ने भी ये बातें स्वीकार की अंत में वहाँ के सड़क पे उनको एंट्री मिली बाद में मंदिर में एंट्री मिली वाइकम एक्चुअली जो आंदोलन है वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही मील का पत्थर है मील का पत्थर इसलिए है क्योंकि वो एक एक मॉडल है अनटचेबिलिटी के खिलाफ रिवोल्ट का और पेरियार जैसे व्यक्ति ने उसको लीड किया और उसको अचीव किया दूसरा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ये बात जो उनकी पार्टी थी एक्चुअली हुआ क्या कि जस्टिस पार्टी धीरे धीरे 40 तक 1940 तक आते आते धीरे धीरे कमजोर पड़ गए उसमें नेतृत्व नहीं था तो 1944 में जस्टिस पार्टी ने ऑफर किया कि आप ई वी रामास्वामी पेरियार को कि आप इस पार्टी को उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया बाद में उसका नाम बदल के डी के कर दिया द्रविदार द्रविदारम चूंकि वो द्रविड़ आइडेंटिटी की बात करते थे आ, वो कहते थे कि हम हम अपने आप में सुपीरियर हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते थे और ऑब्वियसली आप अगर देखिए तो सभी का मैंने हम तो सभी मानव हैं खून और एक ही मांस के लोथड़े से बने हुए हैं यही बातें है वो कहते थे एक इसका एग्जाम्पल एक के वीरामि जी उसी डीके के नब्बे साल से उम्र के ज्यादा के यहाँ अभी चेन्नई में रहते हैं उन्होंने ये बात कही उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ उनको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि सुबह सुबह अति शूद्र जाति का एक व्यक्ति बहुत प्यार करते थे लोग पेरियार को सुबह सुबह सात बजे उनके घर पहुंचे और उनको जगाया उठे और उनसे बोले कि बताइए ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए छत्री भुजाओं से वैश्य जंगे से और शूद्र पैरों से तो हम पंचम वर्ग के लोग कहाँ से पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हें लोग नॉर्मल ढंग से पैदा हुए तो पेरियार बहुत ही पेरियार बहुत ही बहुत ही रेशनल आदमी थे वो हर चीज़ को जैसी चीज़ थी वैसी देखने की कोशिश करते थे बहुत ही ऑनेस्ट बहुत ही कमिटेड पूरी दुनिया को घुमा उन्होंने रूस गए जर्मनी गए पूरा घुमा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर किया ह्यूमनिज्म को सब कुछ और सबको मिला के उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट द्रव्य आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया और उसी का रिजल्ट है प्रशांत जी कि उस पार्टी वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है समाज को बदलने वालों के लिए मैसेज भी है

और तमाम तरह के झूठ से ही काउंटर किया कर सकते हैं वो लोग जो सच का सामना नहीं करना चाहते हैं सच का सामना वही करना चाहता है तो शादी की डीएम के बनाई टूट के उससे सीएन अन्नादुर ने अच्छा भारत की आजादी के बाद कांग्रेस पावर में थी तमिलनाडु में और आ, आ, वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे जो कके कामराज जी बड़े ईमानदार आदमी थे और आपको एक दो और बातें जोड़ देना चाहूंगा कि उन्होंने तमाम रिफॉर्म की चीजें लागू की प्रशांत जी उन्होंने जो मिड डे मील भारत ने जो कॉपी किया उन्होंने मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया तमिल मने तमिल लोगों और नाडु मने घर तमिल लोगों का घर तो याद रखिए कि केरल 1956 सौ छप्पन में और तमिलनाडु राज्य उन्नीस सौ सड़सठ में बनाया तो बहुत सारे लोग दिल्ली में कहते हैं हमारे दक्षिण तमिलनाडु के लोगों को मद्रासी मद्रासी तो गलत नहीं कहते हैं क्योंकि वो मद्रास प्रेसिडेंसी से उसकी पहचान थी सड़सठ में बनाया फिर उसके बाद वो बहुत कम समय तक चीफ मिनिस्टर रहे गुजर जाने के बाद के करुणा निधि बने और उन्होंने मिड डे मील में दो अंडे की शुरुआत की के कामराज ने एक अंडा किया था अच्छा। दो अंडा किया एक और आंकड़ा जोड़ देता हूं कि इन्हीं सब प्रयासों से जो एलिमेंट्री एडुकेशन है तमिलनाडु की उसमें माल न्यूट्रिशन पूरी तरह से खत्म हो गया और गुजरात भारत के सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन स्टेट में से अभी भी है बच्चों में जो विश्व विश्वगुरु है तो विश्व राज्य है वो अंडो का कमाल था और वो कामराज की विजन और हमारे जो आग, एक किताब भी है ड्रविडियन पॉलिसी मॉडल को देखा जाए बिल्कुल ड्रेविडियन मॉडल अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मुझे लगता है एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जो होना चाहिए लोग उसको भले पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी बोलें पर आवर नीड ऑफ द आर है तो फिर वो जरूरी भी है ठीक है पेरियार का तो एक बड़ा रोल रहा ही उसके बाद के कामराज आए अन्नादुराई आए सॉरी अन्नादुराई के बाद एमजे uh, रामचंद्र जालेलिता उसी तो से टूट तो के आईडिया ये दोनों टूट के अलग हुए या कैसे आईडिया इन इनके ये क्योंकि ये आ, जो जनता पार्टी का आंदोलन था उस दौरान की बात है जब मुझे लगता है करुणा ने और एमजे यार बहुत रेलेवेंट रहे उस समय

और उसके बाद वहाँ ए आई के टूट डीएम के से एम जी रामचंद्रन मशहूर सिने स्टार उनके लोग उनके ऊपर जान देते थे उन्होंने टूट के ए आई के बनाई ऑल इंडिया आ, अन्ना द्रमुक कसगम और उसके बाद उसकी कमान एम जी रामचंद्रन के गुजरने के बाद जयललिता ने संभाली बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है जयलिता पे फिल्म भी बनी है बड़ी खराब बनी है इस कार्यक्रम <laughs> बड़ा मुझे देख के दुख हुआ आ, लेकिन एनी वे जयललिता ने एक अच्छा काम किया 94 में 1994 में ओबीसी का रिजर्वेशन जो है भारत के एकमात्र राज्य में 69 परसेंट है और वो जो है आ, वो जो है 50 परसेंट बैकवर्ड्स का रिजर्वेशन है 17 परसेंट एस का है एक परसेंट एस का है और चूंकि 50 परसेंट इतना हो नहीं सकता था 50 परसेंट की लिमिट जो है वो टूट नहीं सकती थी लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है इसको भी जरा मैं बताऊंगा लेकिन इसको पहले कंप्लीट करके टूट नहीं सकती थी इसलिए जयलिता ने 1994 में उसको नाइन्थ शेड्यूल में शामिल किया जिसको भारत सरकार ने अप्रूव किया और शायद बीजेपी की सरकार थी नहीं, तो नहीं पीवी पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव क्षमा करिएगा वो बेसिकली वहाँ सरकार ने केंद्र सरकार ने भी उसको अप्रूव किया और उसमें उसको जुडिशियल रेमेडी मिली हुई है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो तो ये तमिलनाडु की ताकत है और ये देखिए दोनों पार्टियां वहां जो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं वो कितना करते हैं उनका व्यक्तिगत मामला है लेकिन वो उस प्लैंक से हट नहीं सकते हैं हटेंगे तो उनकी उनका बेस जो है वो खत्म हो जाएगा तो क्या यही कारण है वहाँ आरएसएस और बीजेपी अपना

हो सकता है लिटरेसी रेट नाइन्टी परसेंट हो पर एजुकेटेड हो मुझे लगता है उसके बीच में सिर्फ पचास परसेंट ही होगा बड़ी बड़ी बात है कारण यह है कि एजुकेशन में कमिटमेंट भी आता है कल्चर सोसाइटी की समझ भी आती है और एडुकेशन uh, खाली इंफॉर्मेशन नहीं है। वो डेटा ट्रांसफर नहीं लगता तो है आपने अगर कहीं से बीए कर लिया या बार कर ली और वो जो सर्टिफिकेट है वो एजुकेटेड होने का एक प्रमाण पत्र है इवन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो गए तो वो डेटा ट्रांसफर ही है बहुत हद तक बहुत आप में वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होते हैं मेरी बात को आप नहीं। साथ नहीं। साथ नहीं। समझ रहे होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजों में की समझ नहीं डेवलप होती आप आप क्या होते होते है? होते हैं होते हैं बीटेक बी हैं तो वो उसके लिए तो एक सोशल ओरिएंटेशन इस तरह का नहीं है उत्तर मंडल कमीशन पर मंडल कमीशन का बड़ा रोल रहा है इस देश में ओबीसी पॉलिटिक्स को खड़ा करने में लालू यादव जी हों चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों और उसके बाद सिर्फ मैं विपक्ष की बात नहीं करूंगा भारतीय जनता पार्टी जिसे खासतौर पर ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था उसने भी अपने ओबीसी लीडरों की एक फ़ौज खड़ी की जिसमें विनय कटियार उमा भारती तमाम ऐसे लोग रहे मंडल कमीशन के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ जो पॉलिटिकल एक बूस्ट मिला और आज वो बूस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया और हो सकता है आगे चल के वापस आ जाए लेकिन वो वो मंडल कमीशन का इम्पैक्ट कैसे आप देखते हैं पॉलिटिकली और सोशली भी पोलिटिकली तो नज़र आता है सोशली क्या था मैं चाहता हूँ देखिए सोशली बेसिकली ज्यादा नहीं है ज़्यादा होता तो बीजेपी पावर में नहीं आती uh, वो एक्चुअली क्या हुआ कि जिस तरह से एक लार्जर एक्चुअली जो व्यापक पिछड़ों की एकता होनी चाहिए थी कल्चरली एक्चुअली कल्चरल सोशल यूनिटी ही लॉन्गर स्टे करती है अब उसमें वो यूनिटी नहीं हो पाई और वो उस पर काम करने की ज़रूरत थी और उस पर काम ईमानदारी से कांसी ने किया वो भी एक लिमिट तक किया उससे अपने करियर के लास्ट फेज में वो भी बहुत इनएक्टिव हो गए थे तो उस तरह का कोई काम पॉलिटिकल पावर में तो ये आ गए थे बिहार में उत्तर प्रदेश में दूसरी जगहों पर भी इवन मध्य प्रदेश में भी मजबूरी थी इनको बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर्स बनाने की किसी भी पार्टी को मान लीजिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस के थे और इस तरह के अपर कास्ट थे लेकिन आ, आ, उसमें जो मुख्य जो मसला है वो ये है कि आ, ये जो एक इंटरकास्ट इंटर क्लास एक जो कल्चरल सोशल गैप है वो एक तरह के ईगो को पैदा करता है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ओबीसी अपने अंदर भी एक सेंस ऑफ हरार रखता है जो बाबा साहब कहते थे तो ग्रेडेड इनक्वालिटी और ये सब कुछ समझते जैसे बात करोगे आप एक्चुअली आपको खाली एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बात करना है एक कास्ट ग्रुप के रूप में एक क्लास ग्रुप के रूप में, में इंटरेक्ट करना है सोसाइटी में लगातार तब जाके ये यूगो खत्म होगा ये ग्रेडेड इनक्वैलिटी बड़ी टफ है ये क्रिएट ही इसीलिए की गई है ताकि आप जोड़ ना पाएं आप आप देखिए ब्राह्मण जाति है उसका वर्ण एक है जाति एक है क्षत्रिय की वर्ण एक है जाति एक है वैसे की भी वर्ण एक है जाति एक है सूद्रो में पांच हजार जातियां हैं तो ये तो कोई समझदार आदमी इस पर सवाल करेगा अभी शूद्रो में तमाम जातियां कैसे हो सकती हैं मानता हूं कि उनका ऑक्युपेशन था लेकिन कुर्मी कोयरी और यादव का ऑकुपेशन कैसे डिफरेंट है ये तो वही पशुपालक और खेती करने वाली जातियां हैं मैंने इसी तरह की तमाम बड़ी बड़ी जातियां हैं कुछ जातियों की अलग अलग वो हो सकती है लेकिन बेसिकली इनकी एक ही जाति है अगर वैश्य तक वो है तो इनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कमेरा जातियों का है तो ये जो कमेरा वाला नैरेटिव था और श्रमशील का नैरेटिव अति अतिशूदरों के लिए इसको ये ट्रांसलेट और इसको एक तरह से प्रोपेगेट नहीं कर पाए जब तक नहीं करेंगे ये पावर में वापस नहीं आएंगे ठीक से नहीं आएंगे पावर में आ सकते हैं फिर जा जाएंगे क्योंकि इनको बेसिकली uh, जो बाबा साहब की थीसिस थी एनिलेशन ऑफ कास्ट जो उन्होंने जात पात मंडल को बोलने के लिए वहाँ लिखा था नहीं बोल पाए रैदास ने एक्चुअली बहुत पहले बाबा साहब की थीसिस बाद में आई हो दो लाइन में रैदास ने लिखा जाति जाति में जात है जो केतन के पात रैदास मानुस ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात वो कहते हैं कि जाति के भीतर जाति है जैसे केले के तने को आप छीलोगे

की एक सेंस ऑफ सुपेरियरिटी भर दी जाती है कि आप एकदम तैयार नहीं होते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए तो वो uh, रैदास ने बहुत पहले पंद्रहवीं शताब्दी में ये कह दिया था कि जाति के भीतर जाति है और जब तक जाति नहीं जाएगा तब तक आप जुड़ोगे नहीं जाति जाति में जाते है जो केतन के, के पास रहदास मानुष ना जुड़ सके मानुष तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक जाति नहीं जाएगी तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है और भारत विश्वगुरु क्या एक ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की पंद्रह ट्रिलियन की इकोनॉमी है छोटे छोटे देशों की पांच ट्रिलियन की इकनोमी है जर्मनी अभी हम खुशी मना रहे हैं कि तीन ट्रिलियन खुशी तो आप एक ट्रिलियन पे भी मना सकते हो खुशी तो आप एक ट्रिलियन पे भी मना सकते हो लेकिन अमेरिका तीस करोड़ की आबादी है और वो चौबीस ट्रिलियन की इकनॉमी कैसे है आपको रिफ्लेक्ट करना होगा ना आप न्यूजीलैंड को कल मैच है न्यूजीलैंड की आबादी पचास लाख है भारत की आबादी एक करोड़ है जीत भी जाते हो तो बहुत बड़ी जीत नहीं है ये म, म, मेरे हिसाब से आपके यहाँ बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं जो मैंने गली में भी नहीं खेल पाते हैं तो ये किसका फेलियर है मेरा कहने का कुल मतलब ये तो है।, है कि आदमी को आदमी के रूप में नहीं अगर ट्रीट किया जा रहा है अगर आदमी आदमी के रूप में नहीं देखा जा मैंने सोशल वो ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमारा सबका फेलियर है और इसको हम जब तक एड्रेस नहीं करेंगे इसमें एक मुख्य मुद्दा इन जाति का है इन समस्याओं का है और इसका इस पर पॉलिटिक्स का भी रोल है पेरियार ने इसको समझा और सेल्फलेसली किया उन्होंने बिजनेस छोड़ा सब कुछ छोड़ा बीस हजार रुपए का टर्नओवर छोड़ा तब जाके तमिलनाडु बदल के आज ऐसे खड़ा है इतनी भौगोलिक चुनौतियों के बाद भी वो इतना मजबूत है hmm. पर uh... मैं भाजपा के भी जो ओबीसी पॉलिटिक्स भाजपा ने भी शुरू की हाँ मैं उसको मैं भूल गया मैं क्षमा करिएगा मैं उसको जरा पूरा कर लूँ भाजपा ने देखिए भाजपा अपने आप को अपडेट कर रही है भाजपा समझ चुकी थी कि हमारे जो कोर वोटर हैं बहुत कम हैं और वो वो समझ रहे थे कि ओबीसी का एक बड़ा ग्रुप है और कल्चरली जो दलित तबका है वो ज़्यादा आइडियोलॉजी में ट्रेंड और अपडेटेड है और ज्यादा कमिटेड है ओबीसी hmm. एक ऐसा ग्रुप था हाइट्रोजेनस टाइप का Fragmented. Fragmented, जो उनको आसानी से पोच कर सकते थे उन्होंने पोचिंग की पोचिंग करके बहुत सारे हिस्से को और इसमें जो उनको लीड कर रहे थे उनका फेलियर है एकदम hmm. फेलियर है और उनको इसको एड्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप देखिए मुलायम सिंह का एग्जांपल लीजिए उन्होंने हर वर्ग से जातियों से अपना एक बड़ा बड़ा श्याम सुंदर दास थे चाहे वो गाय मैंने प्रजापति थे अभी अब किसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी हर वर्क से उनके नेता था, जी, जी, हर आ, हर से से नेता नेता था वर्मा जी जी और अच्छे नेता थे और वो बड़ा उनके अंदर एक कनेक्टेड उस तरह के कनेक्शन का फीलिंग था तो ये दोबारा इस तरह की जो पार्टियां चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो इनको इस पर काम करना होगा तभी ये रिवाइव करेंगे और बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं बीजेपी अपने हिसाब से जो इसका जो गुणागढ़ थे उसको बहुत बढ़िया से कर रही है मतलब मैं इसको ईमानदारी से कर रहा हूँ बोलूँ की जो नेताओं की खेती होती थी पुराने जो नेता खेती करते थे मैं उसको वही टर्म इस्तेमाल करूंगा कि एक नेता तैयार करते थे उसका बीज लगाते थे उससे में तब्दील करते थे फिर उसे एक लीडरशिप पोजीशन में लेकर आते थे आज मुझे लगता है लीडरशिप ब्लिंकेट जैसी हो गई है कि आपने ऐप आप खोलना है और ऑर्डर कर देना है मतलब वो मुझे नर्सरी बंद हो गई अब बिल्कुल सही न, बात है न, मैं सहमत हूँ आपसे और यूपी में अभी वो ऐप वाली पॉलिटिक्स नहीं आई है नहीं। अभी आपको नीचे से बहुत काम है बहुत काम की ज़रूरत है बहुत जनता बेहाल है परेशान है और बहुत दुर्दशाग्रस्त है तो मुझे लगता है कि ऐप की पॉलिटिक्स की जगह पे आपको गैप की पॉलिटिक्स को देखना होगा फिर ऐप पे आइए आप फिर पहले लोगों को कनेक्ट करना है बाहर से तो ये मुझे लगता है कि वास्तव में रियल सर्विस होगी उसकी ज़रूरत है Uh, एक बड़ा सवाल uh, मैं और भी पूछना चाहूँगा जो तौर हा, पे मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मुझसे भी पूछे जाते हैं और सोशल मीडिया पे भी लगा लिखे जाते हैं एस सी के लिए लेजिस्टिव uh, में आरक्षण है ओ uh, के लिए उस तरीके का आरक्षण नहीं है लोकल uh, बॉडीज़ में तो आ गया uh, क्या किसी कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था और अगर किया हो और नहीं है तो क्यों नहीं है क्योंकि ऐसा क्यों कि एक वर्ग को जब आप बैकवर्ड मान रहे हैं तो उसका लेजिस्लेटिव में

बीजेपी भी उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है कांग्रेस बोल रही है कितना स्लो है ये पॉलिटिक्स रिफॉर्म की और दूसरी बात आपका जो सवाल था दूसरा आपका क्या सवाल था दूसरा सवाल था कि इसी से जुड़ा हुआ था कि हाँ दक्षिण में ये दक्षिण में बात है तो दक्षिण में वो क्या रहा है कि जैसे आपको मैं बताऊं आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लीजिए वहाँ बैकवर्ड और दलित भी रिलेटिवली समृद्ध हैं प्रॉस्परस हैं लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई पैसे से ये कि कम्मा और रेड्डी लोगों के रिसोर्सेज पे कब्जा आएँ अब वहाँ वो चुनाव ओबीसी बी डोमिनेटेड एरियाज में भी कम्मा और रेड्डी जीत जाते हैं पचास पचास करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो वहाँ एक बहुत जोरदार ढंग से बैकवर्ड के जो लोग हैं जो इंजीनियर डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया यूरोप और अमेरिका में हैं और जिनके पास उनकी तुलना में रिसोर्सेज एक्चुअली आंध्रा तम फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लीजिए पूरा डोमिनेटेड है वो कम्मा कम्युनिटी से रेड्डीज के पूरे लोगों के तमाम तरह के रिसोर्सेज पे कब्जा है तो ये वहाँ डिमांड उठना शुरू है क्योंकि ये एक्चुअली डाइवर्सिटी को थ्रेटन करता है एक चैलेंज करता है तो डाइवर्सिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक रिफार्म की तरफ लोग नहीं जाएंगे मोनोपोलाइज वो एक्चुअली मोनोपोली की तरफ ले जाएगा किसी भी चीज़ में मोनोपली होना वो बेसिकली बनाता uh, है आपको. बिल्कुल एक, एक फेयर फ्री मार्केट true, नहीं है true. Uh, आज किसी नए फिल्मकार को अगर बॉलीवुड में जाना हो ट्रू नहीं तो जा सकता बहुत बड़ी दीवार है जिसे फादना होगा और फादने के बाद भी अगर कहीं गलती से आपने फाद भी लिया तो उसके बाद वो जो अंदर एक इकोसिस्टम है hmm. उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे स्पोर्ट्स exactly. में भी इसी तरीके का है इवन इन द मार्केट भी आप देखें फ्री फेयर मार्केट नहीं है कि पावर इंडस्ट्री अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो नहीं लगा सकता क्योंकि उसके क्राइटेरिया ऐसे हैं कि कुछ ही लोग पूरा कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने कही आप अगर देख लीजिए तो इंडस्ट्रीज में भारत ऐसा कोई देश नहीं है अशोक मोदी प्रिंसटन में पढ़ाते हैं इंडिया इज ब्रोकन उनकी किताब है उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से बातें लिखी हैं उन्होंने कांग्रेस में कैसे एक्चुअली संजय गांधी के बारे में मैं भी नहीं जानता था उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा है कि कैसे इन्होंने इन लोगों ने बैंक को, को मिस यूज किया एक्चुअली बहुत बड़े पोएट थे उन्होंने आज से साल पहले एक कविता के, के, कहा लिख रहे थे इंग्लैंड में ये यूनिवर्सल फिन है और आपको मैं बताऊं कि ये संजय गांधी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ऐसे ही सारी पार्टियां करती हैं संजय गांधी ने उस समय अपने जमाने में मारुति कंपनी का एग्जाम्पल है वो बनाना चाहते थे उन्होंने लक्ष्य रखा था एक महीने में एक लाख कारें निर्माण करेंगे और उनकी पहली कारों की कंपनी थी भारत में उन्होंने जबरदस्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर उसको हटवा दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो यहां मजबूत है वो मजबूत होता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा आ, मैंने एक तरह की थ्रेटनिंग है क्षमा करिएगा एक बड़े क्राइसिस एक कर हो रही है तो बहुत बड़ी इनिटी की तरफ ले जा रहा है जो बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी बहुत बिल्कुल चूंकि मैं चाहूंगा कि हम मंडल कमीशन पर हमारी बात हुई काका कमीशन पर बात हुई तमिलनाडु पर बात हुई बिहार ने कास्ट सर्वेक्षण किया बहुत सारा विरोध था कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोक देगा आंकड़े चौंकाने वाले हैं आ, सारा जो नूशन एक तरीके का जो माहौल मीडिया में बनाया जाता था कि फलाना सत्रह परसेंट है फलाना चौदह परसेंट है वो सारा जो नैरेटिव था वो धाराशाही हो गया इस रिपोर्ट आने के बाद आ, भाजपा चूंकि बिहार में समर्थन कर रही है और बाहर उसके कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं Uh, ये पॉलिटिक्स किस तरह शेप करेगी आने वाले चुनाव को एक्चुअली uh, इसका तो व्यापक असर है पूरे भारत में क्योंकि अब सामान्य आदमी भी इस बात को समझ रहा है कि एक्चुअली वो गरीब है तो केवल बस अपने एक्चुअली अपनी वजह से गरीब नहीं है hmm. उसमें स्टेट का रोल उसे अब दिखने लगा है क्योंकि स्टेट कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो मैं भी अपने स्टेट करना शुरू करूं आप भी करना शुरू करिए क्या दिक्कत है वी आर फ्री स्टेट अगर हम डिक्लेयर कर दें तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नहीं कर रही है उनको ये मैसेज गया है बिहार में तो बीजेपी के लिए मुश्किल है और अगर इसको ठीक से इंडिया बिहार में आज तक आजादी के बाद बीजेपी आज तक कभी आपकी सही, सही सही आज तक नहीं बनी और आगे बनेगी बहुत बहुत बड़ी बात है बिहार में उनकी पार्टी कह रही कि हम इसके समर्थन में थे बाहर कह रहे हैं तो ये विचित्र अब इस पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे इस पॉलिटिक्स को कुछ कहा नहीं जा सकता है ये पॉलिटिक्स नहीं है जुगाड़ है पर इसका असर कैसे होगा 2024 में दो में देखिये इसका असर जब तक इसको इंडिया अलायंस बहुत ही सिंसियरली टेकअप नहीं करता है इसका कोई असर नहीं होगा ये एक्चुअली उनका जो ब्रह्मास्त्र है वो डिफ्यूज भी हो सकता है राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं हाँ राहुल गांधी कर रहे हैं लेकिन सबको करना होगा इंडिया के जितने भी एलाइज हैं उनको उतनी सिंसियरिटी के साथ पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी को भी मैं एक मैसेज दे देना चाहूँगा कि ये बातें तो कर रहे हैं वो लेकिन 2011 का जो सर्वे था उसमें उनके जो बिना जमीन के नेता थे उन लोगों ने उसको सेबाइज किया और उनको बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया एक हैं वो आजकल लेख लिखते हैं उसको और उन्होंने उसका विरोध किया नहीं तो, जिनको राष्ट्रपति बनाया गया उनका नाम प्रणब मुखर्जी जी तो जी को पता होना चाहिए सच है इसमें जी, जी, जी का नाम और दूसरे अभी लेख लिखते हैं वो आ, कुछ दिन जेल में रह के आए और इन लोगों ने विरोध किया था और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी तो ठीक है वो तो कह रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी में जब तक दलित और पिछड़ों को मैं बता रहा हूँ ये ये सिंसियरिटी का मामला है उसी प्रोपोर्शन में उनकी पार्टी के स्ट्रक्चर में वो लोग नहीं होंगे ये ये एक नैरेटिव ही जगह बन के और ये ट्रांसलेट नहीं होगा और इसलिए एक बड़ी चैलेंज है अभी भी इंडिया अलायंस के सामने कि अगर इसको सिंसियरली टेकअप नहीं करते सिंसियरली विद इन कोर्ट्स ये डिफ्यूज हो सकता है और फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मतलब ये सिर्फ थियरी ना रह जाए तुरू, तुरू. आ, क्योंकि राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं लेकिन अगर बिहार में हम बात करें तो जेडीयू का जो कार्यकर्ता है जेडीयू या का जो जो कार्यकर्ता कार्यकर्ता है उसके 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 लीडर और उसके और सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप है उसमें कॉमन कॉन्शियस डेवलप हो चुका है को लेकर काफी कांग्रेस में राहुल गांधी तो बोल रहे हैं खड़गे जी तो बोल रहे हैं बिल्कुल लेकिन कमलनाथ जी नहीं बोल रहे हैं उन्होंने तो एक अपने एलआई के बड़े स्टेट म, म, यूपी म, दुनिया का पांचवा ब्राजील के बाद बड़ा देश है पच्चीस करोड़ की आबादी है उन्होंने उतने बड़े नेता को अखिलेश वखिलेश का उनको माफी मांगनी चाहिए थी लिटरली मैंने अहंकार ठीक है आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो बनने जा रहे हो लेकिन इस तरह से अगर आप ट्रीट करोगे तो क्या मैसेज देना चाहते हो ये बता रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस तरह से अजय राय ने यूपी में तमाम तरह की बातें की एक बड़े लीडर अपने एलआई के खिलाफ तो कांग्रेस क्या सिंसियर है इसको भी सोचना होगा दूसरे एलईस को भी सोचना होगा कि हम कितना सिंसियर एफर्ट ले रहे हैं और उनको देखना होगा कि वो जनता के लिए कितने ईमानदार हैं क्योंकि जनता भी देख रही है उनको तो ये मुझे लगता है कि अब बहुत कम समय है इनके पास और अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो बड़े वाकई चिंताजनक है बहुत दिलचस्प रही मैं इस पॉडकास्ट को खत्म कर क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस तरीके के पॉडकास्ट और हो और क्योंकि बहुत मजा आया मुझे इस बात करके और अभी जेपी नड्डा जी हैं है। आखिरी सवाल पूछूंगा जेपी नड्डा जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी जी देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं मैं चाहूंगा कि इस मिथ को भी आप हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि ये आ, सच है या मिथ है आ, मैं इसको थोड़ा सा <laughs> बेहतर ढंग से बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री दो हजार एक में बने, पहले, तो बने? बने, हाँ। उनकी जो जाति थी वो भी सी नहीं थी मोड़घांची तेली जाति के हैं वो अच्छा जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने उसको शामिल किया तो एक्चुअली क्या है ना सी एम बन के खुद शामिल कर लिया हाँ तो प्रशांत जी इस बात को समझिए कि अगर मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेला है एक हरियाणा का यादव और एक ईस्टर्न यूपी का और एक बिहार का यादव इन तीनों में अंतर है ईस्टर्न यूपी वाले ने कम डिस्क्रिमिनेशन जिला होगा बिहार वाले ने शायद सबसे ज्यादा तो होगा पटेल और यूपी का यूपी का पटेल बहुत अंतर है।, है तो आप इस बात को समझिए प्रशांत जी कि अच्छा एक दलित व्यक्ति के एक्सपीरियंस में समाज में एक ट्राइबल व्यक्ति के एक माइनॉरिटी व्यक्ति के एक ओबीसी और ये सारे चीजें अलग हैं तो ये जो है जेपी नड्डा जी उसको चुनाव के लिए तो यूज कर रहे हैं अपने हिसाब से अपनी चीजों को लेकिन ये काम है इंडिया अलायंस का कि उसको काउंटर करे लेकिन जहां तक जो फैक्ट है मैं आपको एक एक और चीज बता दूं मैंने रिसेंटली स्टोरी सौराष्ट्र रीजन है जिसमें दो तीन जिले आते हैं राजकोट जूनागढ़ जामनगर और ये सब उसकी एक फोकटेल को मैंने ट्रांस उस पर एक लेख लिखा और मैं भी एक्चुअली कम्युनिटी आइडेंटिटी उसका टाइटल है तो मुझे मालूम चला कि वहाँ की क्षत्रिय जातियाँ और तमाम तरह की जातियाँ वहाँ ओ बी रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है समझिए और उस तरह की आइडेंटिटी कॉन्सनेस भी नहीं है और कई तरह की दिक्कतें हैं लेकिन कुल मिला के ये इंडिया एलंस का काम है कि वो इसको काउंटर करे और वो काउंटर इसी तरह से कर सकते जब अपने एफर्ट्स में सिंसियर होगी ऑनेस्ट होगी और लोगों को वास्तव में रिप्रेजेंटेशन देना चाहेगी। कहीं ये प्रयास 2011 वाले कास्ट सर्वे का प्रयास तो नहीं है ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो खड़ा है और अपना जवाब मांग रहा है और ये भी मैं बता दूं कि जो ओबीसी जो जेपी नड्डा जी ने कहा पार्लियामेंट में कि मोदी जी जी देश के पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं थे अगर टेक्निकलिटी देखे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखे तो चौधरी चरण सिंह मुझे बिल्कुल नहीं नहीं वो भी थे बिल्कुल बिल्कुल वो उस समय जाट ओबीसी में नहीं आते थे जी वो तो बहुत लेट हुआ अगर देखा जाए तो देवे गौड़ा टेक्निकली ट्रू ओबीसी प्रधानमंत्री लेकिन आ, भारत है यहाँ पार्लियामेंट में झूठ बोलकर बस सकते हो और आप पे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी और आपका रिकॉर्ड में एक्सपंज भी नहीं होता पार्लियामेंट में आप खड़े होकर गाली भी दे सकते हो देवगौड़ा जी वो कलिका है कलिंग वो कलिका तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू प्रसाद मैं चाहूंगा कि हम लोग और भी ऐसे दिलचस्प बिल्कुल करते रहे ताकि लोगों को पता चले और क्योंकि हमारे आजकल के जो नए जनरेशन के लोग हैं किताब पढ़ने में दिलचस्पी कम रखते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके के वीडियो उन्हें थोड़ा सा चेता तो जगाएंगे और हो सकता है इसी से जाग कर वो किताब पढ़ने चले जाएं। बिल्कुल मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बातचीत की अपॉर्चुनिटी दी थैंक यू वेरी धन्यवाद थैंक यू